हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो जैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सबर का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत इमाम, हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास को दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा, हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे, मैं तीन किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, तीन कुतुब से, और आज कल परसों की किताब नहीं सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा, और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा, घोड़ा डर के इतना दौड़ा के जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाबे इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई कोई शख्स ऐसी बात, यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे हैं बस जी वो तो दो शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना दा। ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह वेला करती हैं, ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा जैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को भांजों को सबको शहीद होते देखा।